नहीं खुद कल दिखाया बैठे बैठे, इसमें कोई त्रुटि हो, कोई शब्द समझ में ना आए तो मुझे क्षमा करना। बोलिए राधे रानी की जय, राधे नाम की मस्ती चढ़ गई, राधे नाम की मस्ती चढ़ गई, हो गए मस्त मलंग। बोलो राधे राधे, और जैसे उनका सब संकीर्तन संपन्न हुआ,
संपन्न होने के बाद मैं शाम जब उनके द्वार खोले तो वो आगे चिल्लाने लगा, संतों को गाली देने लगा, भाई को पीटने के लिए दौड़ने लगा। एक संत ने पकड़ा गलेवान पकड़ी और पीछे गिर कर उसके गले पर पैर रख दिया और उसके पैर रखने के बाद कहने लगा कि बोल राधे। पैर रखने के बाद कहने लगा संत उसको कि बोल राधे। वो कहने लगा नहीं बोलूंगा राधे, मैंने तुझे आज बोलना पड़ेगा राधे राधे। और उसने कहा कि नहीं बोलूंगा। संत ने और जोर से पैर दबाया उसके गर्दन पर तो वो कहने लगा कि राधे राधे। और जैसे ही उसने राधे कहा उसके प्राण बिल्कुल निकलने के लिए तैयार हो गए। संत ने कहा कि तू जान तो रहा है, एक चीज याद रखियो कि इस राधे नाम का बोल किसी को मत बताइयो। और वो अपने प्राण छोड़ गया। और प्राण छोड़ने के बाद यमराज के दूत उसको पकड़ कर ले गए यमपुरी। जब वो पहुंचा और यमपुरी पहुंचने के बाद में यमराज के सामने खड़ा किया और कहने लगा कि इसके पाप और पुण्यों की गणना करो, इसके क्या पाप है क्या पुण्य गणना करो। प्रभु इसने जीवन भर कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया, मरते दम किसी संत की जबरदस्ती के कारण इसने बोला है राधे राधे। एक बार इसने राधे बोली है वो भी मरते समय, और नहीं तो जीवन भर इसने कभी गोविंद गाया राधे का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है तो भाई तेरा एक पुण्य है, बता इस राधे की कीमत क्या लेना चाहता है, तो तुझे नरक में भेज रहा है। अब उसके दिमाग में वही बत्ते घूमे कि संत ने कहा था राधे नाम की कीमत मत लगा दियो। वो कहने लगा प्रभु जो तुम्हारे इच्छा आए जो तुम्हारा दिल करे वो मुझे राधे नाम की कीमत दे दो, मेरे पास राधे नाम की कोई कीमत नहीं है। अब यमराज चक्कर में पड़ गए कि राधे की कीमत तुम तो इसको क्या दू, एक राधा नाम बोलने की कीमत क्या दो। यमराज के कुछ समझ में नहीं आया, बोले बोले मन चलो परब्रह्मा के पास चलते हैं, परमपिता परमात्मा के पास चलते हैं। और वो व्यक्ति और यमराज दोनों ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा के पास पहुंचने पर ब्रह्मा को कहते हैं कि हे प्रभु इसने जीवन पर्यंत कभी भी राधे नाम का उच्चारण या भगवान का उच्चारण नहीं करा, मरते समय एक संत की जबरदस्ती के कारण इस व्यक्ति ने राधे नाम का उच्चारण किया, अब ये कहता है कि राधे नाम की कीमत तुम ही दे दो मेरे पास नहीं है। ब्रह्मा भी सोच में पड़ गए कि अरे भैया एक बार वो गाय क्या चुराई थी मुझे दुख उठाना पड़ा, और इस राधे का कीमत तुझे क्या बताऊं, नहीं तो मेरी गति ही चल जाएगी, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। वह और कौन दे सकते हैं, चलो भोलेनाथ के पास, भोलेनाथ बता सकते हैं। ब्रह्मा यमराज और वो व्यक्ति तीनों व्यक्ति भोले बाबा के द्वार पर गए और भोले बाबा के द्वार पर जाने के बाद भोले बाबा को कहने लगे कि हे प्रभु इस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया, अंत समय पर मरते समय पर किसी संत की जबरदस्ती के कारण इसने राधे नाम का उच्चारण किया एक बार, अब ये कहता है कि इसकी कीमत तुम ही दे दो, हमें तो समझ में नहीं आई पर आप बता दो इसकी कीमत क्या होती है। आप भोले बाबा के चक्कर में पड़ गए, भाई मैं तो राम का पुजारी हूँ राधे की कीमत क्या बता सकता हूँ, और उसकी महिमा को बताना आसान बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे पास भी इस चीज का कोई जवाब नहीं है। अब यमराज कहने लगे प्रभु ब्रह्मा जी ने नहीं बताया आपने नहीं बताया तो इसको अब मैं क्या कीमत दू। वह इसको कीमत तो वो ही दे सकता है जो राधे के साथ रहता होगा। उन्होंने कहा कि कौन दे सकता है, वह चलो नारायण के पास कृष्ण के पास चलो, मेरा गोविंद नहीं बता सकता राधे नाम की कीमत क्या। अब वो व्यक्ति क्या कहता है, वो व्यक्ति कहता है सुन ब्रह्मा सुन यमराज, भाई मैं तेरा नौकर हूं तुझे जो फैसला करना यही कर, अब ना चला जाता मुझसे पैर थके मेरे, कभी तो ब्रह्मा के पास ले जा कभी तो शिव के पास ले जा, जो तुझे फैसला करना कर, मैं यही बैठा हूं मुझे यही आके। अब ये कौन बोल रहा है, वो राधे बोल रही है, वो जान गया जब ब्रह्मा नहीं बता सकता विष्णु नहीं बता सकता इसका मतलब इसका कोई मोटा ही फल मुझे मिलेगा, तो उसके लिए पालकी मंगाएगी और उस पालकी में उसको बिठाया गया, आगे ब्रह्मा जी और भोले बाबा को लगाया गया और पीछे
जब राज लगे हुए अब देख लो एक नाम लेने से ब्रह्मा और शिव तो कान लगे आगे और यमराज लग गया पीछे राधा नाम लेने से और वो उसको कृष्ण के द्वार पर ले जा रहे हैं और कृष्ण के द्वार पर ले जा रहे हैं तो वो व्यक्ति पालकी में बैठा हुआ क्या कहता है राधा नाम तुम जपा करो राधा नाम तुम जपा करो अपना दुख दूर किया करो राधा दुख दूर किया करो अपना दुख दूर किया करो अपना दुख दूर किया करो बाबू से मेरा तब से मेरा पार करेगी हो जाओ नाथ मलंग बोलो राधे राधे 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 पर है कृपा जी की मोहित पर है